भारत में ऑनलाइन फूड का ट्रेंड लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई बार किसी खास दिन पर तो कई बार बिना किसी वजह के भी लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया हो और उसका टेस्ट और क्वालिटी बेहद खराब हो? पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जोमेटो और स्विगी जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के खाने की क्वालिटी पर सरकार ने अपनी कड़ी नजर बना रखी है। अब जोमेटो और स्विगी के जरिए डिलीवर होने वाले फूड के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की तैयारी की जा रही है। फूड रेगुलेटर FSSAI ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के लिए नियमों को और कड़ा कर दिया है। इस थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद जोमेटो और स्विगी को FSSAI के कड़े नियमों का पालन करना होगा। इन कंपनियों को 2019 में सेल्फ ऑडिट के लिए कहा गया था। इस ऑडिट में जोमेटो और स्विगी ने करीब 10,000 रेस्टोरेंट्स को डीलिस्ट किया था। इस बार ऑडिट का फोकस हाइजीन पर होगा। इसके साथ ही क्लाउड किचन पर भी फोकस रहेगा। लिस्टिंग के जरिए एनफोर्समेंट होगा। हाइजीन के लिए रेटिंग 1 से 5 के बीच दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात इन कंपनियों में निवेश की करें तो चीन की कंपनी एंट फाइनेंशियल ने जोमेटो में $15 करोड़ यानी करीब 1,050 करोड़ रुपए का और निवेश किया है। इस निवेश के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी और रेस्टोरेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जोमेटो का वैल्यूएशन $3 अरब यानी करीब 2100 करोड़ रुपए आंका गया है। दरअसल एंट फाइनेंस चीन की दिग्गज इंटरनेट कंपनी अलीबाबा की सहायक कंपनी है। आपको बता दें कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स मेट्रो शहरों में तो लोगों की आदत के साथ साथ जरूरत भी बन गए हैं। यही वजह है कि इनकी क्वालिटी का बेहतर होना काफी जरूरी है। इसके लिए FSSAI के जरिए नियमों में की गई सख्ती एक अच्छा कदम माना जा सकता है।